हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बुद्धि का मापन। जो हमारी बुद्धि होती है उसको कैसे मापा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे वो है, सबसे पहला बुद्धि का जो मापन होता है उसकी तकनीक, टेक्निक ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। दूसरा मानसिक आयु जो हमारी होती है, मानसिक आयु के अंदर हम दो बात करेंगे, बेसल एयर की और टर्मिनल एयर की, बेसल वर्ड्स और टर्मिनल वर्ड्स की ये क्या होते हैं। और तीसरा है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और चौथा बुद्धि लब्धि का वितरण या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू होता है। ये सारे जो टर्म है ये बुद्धि के मापन में यूज होते हैं। चलिए बात करते हैं ये सब क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बुद्धि मापन की जो तकनीक होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर ही एक टर्म आता है मानसिक आयु, मानसिक आयु यानी मेंटल एज। तो मेंटल एज का जो प्रतिपादन किया था ये विने ने किया था, विने नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अब उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जो पुरानी जो टेक्निक्स थी बुद्धि मापन की उसमें जब उन्होंने देखा कि जो उसको निर्धारित करने की टेक्निक्स होती थी, उन्होंने उसमें पाया कि जैसे कोई भी बच्चा किसी टेक्निक में 65 अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए कि उससे उसकी बुद्धि कितनी है। क्योंकि अगर वो 5 वर्ष का है या फिर 10 वर्ष का है या फिर 15 वर्ष का है तो इसमें कोई एज की बात नहीं की जाती थी, जस्ट केवल अंकों की बात की जाती थी। तो उन्होंने इसी वजह से इसमें सुधार करते हुए एक टर्म दिया मानसिक आयु। तो उन्होंने इसके लिए क्या करा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जिनकी संख्या थी 59 और उन्होंने इसको 3 से 13 वर्ष के बच्चों के बीच बांट दिया गया, उनकी मानसिक गतिविधियों के बीच बांट दिया गया। और उन्होंने प्रत्येक 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों की प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रश्नों को निश्चित कर दिया था। उन्होंने जो माना कि कुछ ऐसी मानसिक क्रियाओं का चयन किया जा सकता है जिनकी किसी दी गई आयु के सामान्य बालक से सफलता पूर्वक करने की अपेक्षा की जा सकती है। मतलब कुछ सामान्य मानसिक क्रियाएं ऐसी होती है जो कि किसी निश्चित एज वाले जो बच्चे होते हैं उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस एज का बालक वह क्रिया कर लेगा। तो इसी आधार पर जो मानसिक आयु थी उसकी डेफिनेशन आई, जिस आयु के लिए निर्धारित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलता पूर्वक कर लेता है उस बालक की मानसिक आयु उतने ही वर्ष कहलाएगी, भले ही उसकी जो वास्तविक आयु है वह कम या अधिक क्यों ना हो। मतलब जो कोई बच्चा है वो अगर 7 वर्ष के बच्चों के समान मानसिक कार्य कर ले रहा है तो जो उसकी मेंटल एज होगी, मानसिक आयु होगी, वो 7 वर्ष कहलाएगी। चाहे उसकी जो वास्तविक आयु है वो 6 वर्ष हो या 8 वर्ष हो, कम या ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मानसिक कार्य कर ले रहा है 7 वर्ष के बच्चे के समान तो उसकी मेंटल एज 7 वर्ष कहलाएगी। अब मानसिक आयु के ही आधार पर ये बात कही गई कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों तथा व्यक्तियों को मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि जैसे वर्गों में विभाजित किया जाता है। जब किसी की मानसिक आय उसकी जो वास्तविक आय के बराबर हो जाए तो वो बच्चा सामान्य बुद्धि का कहलाता है, लेकिन अगर उसकी मानसिक आय वास्तविक आय से कम है तो मंद बुद्धि और वास्तविक आय से ज्यादा है तो वो बच्चा तीव्र बुद्धि का माना जाएगा। अब बिने ने मानसिक आयु की क्या डेफिनेशन दी, तो बिने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति के मानसिक विकास की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है तथा जिसकी उस आयु विशेष के सामान्य बालकों से अपेक्षा रहती है। अब बात करते हैं कि मानसिक आयु कैसे ज्ञात की जाती है। अब मानसिक आयु जब हम ज्ञात कर रहे होते हैं तो ये दो टर्म आते हैं हमारे पास, बेसल वर्ड्स और टर्मिनल वर्ड्स, बेसल एयर। तो बेसल एयर क्या होता है, जिस उच्चतम आयु
स्तर के सभी प्रश्नों का बालक सही हल कर लेता है। जब क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एक सीरीज में, तो एक एज ऐसी होती है जहां तक बच्चा सारे क्वेश्चन कर देता है। उसके बाद वह कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है तथा कुछ के नहीं दे पाता। और एक ऐसी एज आती है जहाँ जिसके बाद जो लास्ट होती है जहाँ पे बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता, तो वही आपकी टर्मिनल वर्ष होती है जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता। बेसल वर्ष में सारे हल कर लेता है जबकि टर्मिनल वर्ष में कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाता। तो बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष के बीच जो वो जितने क्वेश्चन कर पा रहा है उन क्वेश्चंस का क्रेडिट भी बच्चे को दिया जाता है। तो जब हम मेंटल एज निकाल रहे होते हैं तो उसने बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष के बीच जितने प्रश्न हल करे, बाय द वे उसने 5 प्रश्नों को यहाँ पे हल किया है, तो इन 5 प्रश्नों का क्रेडिट उसके बेसल वर्ष में जोड़ दिया जाता है और ये उसकी निकल जाती है मानसिक आय या फिर मेंटल एज, जिसके द्वारा उसकी बुद्धि का आकलन किया जाता है। और पहले मानसिक आय के द्वारा ही बुद्धि का आकलन किया जाता था। अब बुद्धि के मापन में बात की जाती है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। अब जो बुद्धि का मापन किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो जब हम बुद्धि का मापन किया जा रहा था तो मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि जो मेंटल एज के द्वारा मापन किया जा रहा वो मेंटल एज उसका सापेक्ष मान है, ना कि उसका निरपेक्ष मान। तो जब बुद्धि का मापन किया जा रहा है तो उसके लिए जो क्रॉनिकल एज है यानी इसकी जो वास्तविक आयु है उसकी भी जरूरत पड़ रही है। तो इसका जो सबसे पहले सुझाव दिया था बुद्धि लब्धि का वो दिया था स्टर्न तथा कोलमान ने 1912 में, लेकिन जो इसका प्रथम प्रयोग किया था बुद्धि लब्धि का वो किया आपका टर्मेन तथा स्टैनफोर्ड ने 1916 में। तो उन्होंने बुद्धि लब्धि के बारे में क्या कहा इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में, कि बुद्धि लब्धि बालकों के मानसिक विकास को व्यक्त करने वाला एक ऐसा निरपेक्ष मान है जिसकी सहायता से बालक के कुशाग्र सामान्य या मंद बुद्धि होने का तो पता चलता ही है, साथ ही साथ उसकी तुलना अन्य बालकों से या फिर व्यक्तियों से सरलता से की जा सकती है। जो बुद्धि लब्धि होती है उसके द्वारा ये तो पता चल सकता है कि बालक कुशाग्र बुद्धि का है या मंद बुद्धि का है या फिर सामान्य बुद्धि का है। इसके अलावा अन्य बच्चों से भी उसकी तुलना की जा सकती है। अब उन्होंने बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन या आईक्यू लेवल को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले में उन्होंने बोला कि वास्तव में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात है, ये एक मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात है और दशमलव को हटाने के लिए उसे हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू लेवल का जो फॉर्मूला आया वो आया आपका मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय गुणा 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो इसमें उन्होंने ये बात पाई कि अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर है तो हमारा जो आईक्यू लेवल होगा वो आपका 100 होगा, लेकिन अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो जो हमारा आईक्यू लेवल प्राप्त होगा वो 100 से कम होगा। और मानसिक आयु जितनी 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 वास्तविक आयु से कम होती जाएगी तो आईक्यू लेवल भी उतना उतना कम होता जाएगा। और इसी आधार पर उन्होंने एक सारणी बनाई बुद्धि लब्धि का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू लेवल्स, और इस पे उन्होंने बेस्ड बताया कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली होगा, प्रखर बुद्धि होगा, तीव्र होगा या सामान्य बुद्धि का होगा। तो सबसे पहले बात करी बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल अगर 140 से अधिक हो तो सबसे पहले केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 से अधिक होता है। ये जो लोग होते हैं ये प्रतिभाशाली वर्ग में आते हैं। उसके बाद आते हैं 121 से 140, ये 5% लोग होते हैं जो कि प्रखर बुद्धि के अंदर आते हैं। उसके बाद 111 से 120 जो कि 14% होते हैं और ये तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं। उसके बाद आता है 91 से 110 60% यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल इसी के अंदर आते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं, एवरेज बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद आता है 81 से 90, ये 14% लोग होते हैं और मंद बुद्धि होते हैं। ये जो स्लो लर्नर होते हैं जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं वो लोग इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद आता है 71 से 80, ये 5% होते हैं, ये अल्प बुद्धि होते हैं। जबकि जो जिनकी बुद्धि 71 से नीचे की बुद्धि होती है ये 1% लोग होते हैं, ये जड़ बुद्धि होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये उसके अंदर आते हैं मेंटल रिटार्डेशन जो वाले जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। तो बुद्धि के मापन में आज हम इतनी बात करते हैं, हम फिर मिलेंगे
कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। धन्यवाद।